शहीद क्याप्टन ब्रिजेश थापाको आज सैनिक सम्मानको साथमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। जम्मू काश्मीरको डोडा जिल्लामा आतंककारीसितको लडाईमा देश रक्षामा शहीद बनेका गोर्खा सपूत शहीद क्याप्टन ब्रिजेश थापाको पार्थिव शरीरलाई हिज उनको पैतृक गाउँ दार्जिलिङको बडागिन ल्याइपुर्याएको थियो भने आज बिहान अन्तिम संस्कार गरिएको छ। आफ्नो पैतृक थलोमा गाउँलेहरू, आफन्तहरू, विभिन्न संघ संस्थाहरू साथै भारतीय सेनाको जवानहरूले सैनिक सम्मानको साथमा शहीद क्याप्टन ब्रिजेश थापाको अन्तिम संस्कार गर्यो। शहीद क्याप्टन ब्रिजेश थापालाई उहाँको परिवार, आफन्तजन, गाउँलेहरू र अन्यहरूले आँसुपूर्ण अन्तिम विदाई दिएको छ। कैप्टन ब्रिजेश थापा मेरा बेटा, वो एक ही बेटा है और वो छोटी उम्र से ही वो फौज में जाना चाहता था और आज जो है इस हिसाब से उन्होंने देश के लिए काम किया है और एक अपना बलिदान दिया है, वो एक सबके लिए एक एग्जांपल है और वो ऐसा एग्जांपल बहुत कम देने वाले बहुत कम मिलते हैं और इसके लिए जो है हमारे जो भारतीय सेना की जो जितने हमारे ट्रेनिंग है
और ये इसके वजह से है कि वो कुछ भी कैसे भी हालत में देश के लिए हम अपना पूरे जान लगा के काम करने का ये जो ट्रेनिंग और जो इंस्पिरेशन देता है ये हमारे इंडियन आर्मी देता है। और दूसरा जो बात है कि ये हम जिस हिसाब से अभी मेरे बेटे को ब्रिजेश थापा को पूरे देशवासियों का और पूरे हमारे दार्जिलिंग के और सब हमारे गोरखा कम्युनिटी का जो उनको उनका ये लव और अफेक्शन मिला है, प्यार मिला है, वो उससे हमारे को हम जितने भी हमारे लॉसेस हैं हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो इतना प्यार दिया है देश ने। और इसमें मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मेरे बेटे ने ऐसा काम करके दिखाया है। और बाकी हमारे क्लोज सपोर्ट में हमें पता हम इसलिए हम आगे जाते हैं, इसलिए हम ऐसे बेटे हमारे बेटे हम इंडियन आर्मी, मैं भी कर्नल थापा हूँ, मैं कर्नल भूमि थापा, मैं भी रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। हमें पता है कि जो भी इंडियन आर्मी हमारे करते हैं वो बहुत सपोर्ट देते हैं हमें, और सिर्फ ट्रेनिंग सिर्फ नहीं लेकिन हर जगह में हर स्टेप में वो हमें सपोर्ट देते हैं। आज भी आप देखेंगे कि उन्होंने लास्ट कदम तक ही वो हमारे साथ रहते हैं और वो मदद करते हैं हमें और हर क्षेत्र में। इसके बाद भी जब भी हम कई सालों बाद में भी इनके जाने के वो हमारे को पूछते रहते हैं आके और बताते रहते हैं, कोई भी छोटा से छोटा काम हो वो हमें इंडियन आर्मी की कोई भी कहीं भी जाए वो उनके ऑफिशियल्स आके हमारे को मदद करते हैं और ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और मैं भी मेरे पिताजी भी मेजर थे फौज में और मैं खुद ही रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हूँ और मेरा बेटा हम ये हमारे तो जनरेशन टू जनरेशन ऐसा चलता रहता है क्योंकि ये हमारा ये एक ट्रेडिशन है, हमारे खून में ऐसा देश के लिए बलिदान देना, देश के लिए काम करना, ये जो और कोई नहीं कर सकता वो हम ही करते हैं, हमारे कम्युनिटी करते हैं, गोरखा कम्युनिटी, जो हमारे खून में ऐसा है। और ये हमें अच्छा लगता है कि हमारे साथ में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, आर्मी सपोर्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने जैसे बताया पहले भी कि अगर एक और भी बेटा, आज मैं समझता हूँ कि एक और बेटा होता तो वो भी फौज में ही होता और वो भी फौज के लिए ही हमारे देश के लिए ही वो काम करते। और आपको पता है ये काम ये बिजनेस करके ये करके ऐसा काम नहीं, ये ऐसा यूनिक काम है जो सब कोई नहीं कर सकता है और सब कोई करने सकता नहीं करने का इच्छुक होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमारे हमारी कम्युनिटी ऐसा है कि हम इस चीज़ को हम अपने जो देश के जो सिक्योरिटी देश के जो शान वो हमारे खून में होता है, उनका शान बढ़ाना है करके तो यही हम काम करते हैं। इसी तरह से नतीजा तो निकलता है, ऐसा खराब मतलब ऐसा चीज़ हो जाता है कि पूरे अभी जिंदगी भर में अपना बेटा को खो दिया है और जिंदगी भर के लिए मैं उनके सिर यादें हमारे पास रह जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया है वो सब कोई नहीं कर सकता और वो उन्होंने करके दिखाया। इसके लिए तो मैं मेरे बेटे के लिए भी बहुत आदर करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ और अच्छा लगा कि मतलब सभी आके हमसे ऐसे बातचीत कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं और साथ साथ में सारे सपोर्ट मिल रहा है, आर्मी से भी, हर एक आप लोग से भी, इवन आपका ये